बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक लहर न्यूज़ HD और मैं हूं नासिर महमूद मलिक। अब नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। खबर शामिल करते हैं सिलावाली से। अलमीज़ान फाउंडेशन UK और इनकलाब फाउंडेशन रजिस्टर्ड सिलावाली के ज़ेर इंतज़ाम रोटी रोज़ी प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद में रेहड़ियाँ और 5,000 रुपये फरूट सब्जी खरीदने की मद में दिए गए। इस तकरीब का इनेकाद CMA सिलावाली के जनाह हाल में किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी मोहम्मद अनवर सिंधु, दीगर मेहमानान में चौधरी अब्दुल खालिक कंट्री हेड अलमीज़ान फाउंडेशन, चौधरी नईम राय नासर कलियार व दीगर शामिल थे। इस मौके पर कंट्री हेड का कहना था कि हमारा ये प्रोग्राम शुरू करने का मकसद है कि लोग अपनी इज्जत नफ्स और खुददारी को कायम रखते हुए अपने अहले खाना के लिए रिजक हलाल कमा सकें। वरना पहले हम मुस्तहकीन को राशन और नकद रकूम देते थे, लेकिन चंद रोज़ बाद वही लोग दोबारा कतारों में लगे होते थे और अपनी इज्जत और नफ्स को पामाल करते थे। हमारा ये प्रोग्राम शुरू करने का बड़ा मकसद गरीबों में इज्जत नफ्स और खुददारी को बरकरार रखने का शऊर देना है, ताकि लोगों को दूसरों के सामने हाथ फैलाने की बजाय मेहनत की आदत पड़े। इन्होंने मजीद कहा कि बेरोजगारी की वजह से लोग नशा जैसी लानत और जराइम में मुलव्विस होने से बच सकें। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और अलमीज़ान फाउंडेशन UK की गरीबों पर इस कोशिश के लिए दुआ की गई और 14 मुस्तहकीन के हवाले रेहड़ियाँ की गई। कैमरामैन टीम के साथ नासिर महमूद मलिक, CEO पाक लहर न्यूज़ HD सिलावाली। उसकी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।